बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 से जो हम करेंगे वो है फिलअप्स, जिसमें कहते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें। 1/100 मीन्स परसेंट एंड इट डिनोटेड बाय, कहते हैं अगर हम 100 को परसेंट, इसका कहते हैं 100 का मतलब है परसेंट, तो परसेंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो देखें बच्चे, जैसे हम इक्वेशन को इक्वल से जो है हम टू लाइंस लगा के डिनोट करते हैं, इसी तरह इसका जो परसेंट के लिए हम इसे डिनोट करते हैं, परसेंट का जो साइन है वो ये है जी, इस तरह से। उसके बाद सेकेंड है द प्राइस दैट वी पे टू परचेज आ थिंक इज कॉल्ड, कहते हैं वो प्राइस जिस जो कि हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं, वो है कॉस्ट प्राइस जी, यहाँ आएगा कॉस्ट प्राइस। फिर इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, जी प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, फार्मूला ज़रा जहन में लेके आए, नहीं तो साथ ही पेज नंबर 84 है वहाँ पे देखें इसका फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, वो है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसके लिए अब ये देखिए यहाँ उन्होंने बॉक्स बनाया, वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे सिक्स क्लास, वहाँ पे करेंगे हम कॉस्ट प्राइस जी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 जी। इसके बाद नेक्स्ट है टू चेंज अ परसेंटेज इन टू अ डेसीमल, फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इन टू अ, कहते हैं अगर हम किस में करें परसेंटेज को करें डेसीमल में चेंज, तो सबसे पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने क्वेश्चन भी किए थे पीछे, तो हम सबसे पहले उसे करेंगे फ्रैक्शन में, जो हमें राइट करी हूँ फ्रैक्शन जी। फिलअप्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे क्या करना है आपने टिक जो है वो लगानी है। सबसे पहले है कहते व्हेन वी चेंज अ फ्रैक्शन 1/25 इनटू परसेंटेज वी गेट, कहते हैं अगर हम क्या करें, हमारे पास फ्रैक्शन है 1/25, इसे हम परसेंटेज में चेंज करें, तो परसेंटेज में चेंज करने का तरीका ये है कि फ्रैक्शन जो है यहाँ पे उसे राइट करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ जी। सिक्स क्लास देखें, मैं आपको करके बता रही हूँ, 15 ones are 50, 25 ones are 25, 25 2 4 are 100, तो 25 है हमारे पास यहाँ पे, 25 ones are 25, 25 4 are 100, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज की फॉर्म आई है वो क्या है जी, 4%। तो बी को आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद बाय चेंजिंग 10% इनटू अ डेसिमल वी गेट, कहते हैं अगर हम क्या करें 10% जो है इसे डेसिमल में चेंज करें इनटू अ डेसिमल, तो फिर हमें क्या चीज़ हासिल होगी। तो देखिए डेसिमल में से चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10% है इसे हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लेके आएंगे, जो है इसे जो है हम 100 के साथ क्या कर दें कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें लेके आने के लिए हमने इसे 100 में कन्वर्ट, इस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो अब ये देखें इस ज़ीरो के हिस्से का, तो हम ये ज़ीरो कर लेंगे, ज़ीरो के हिस्से का 1 और ये 1 के हिस्से का हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे बन रहा है 0.1। तो इसके लिए 0.1 हमारे पास है, इसका सी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एक तो है 1, 10, 0.1, 0.01, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं सी 0.0, 0.1। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 1% ऑफ 1000 मीन, कहते हैं 1% ऑफ 1000 मीन जो है इसका आंसर बताएं, 1, 10, 100, 1000। तो इसे हम इस तरह से पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा देखें इधर, 1/100 इस परसेंट का 100 आ जाएगा, ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई और ये 1000 में चेंज कर देंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इसका
ये 2020 के साथ कैंसिल, बाकी 10 रह जाएगा, 10 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसके बी ऑप्शन जो है से क्या बोलेंगे कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द कलर्ड पार्ट ऑफ, कलर्ड पार्ट जो उन्होंने हमें बॉक्स बताया है, और पहले हम इसके बॉक्स जो है ये काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने बॉक्सेज हैं। देखिए इधर बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी ये 10 है, 10 में से कलर्ड कितने हैं, 3 हैं, तो हम 3 कलर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो 30%, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, तो हम इस 10 को किस में ले आएंगे, 100 में जो है वो कंसिडर करेंगे, और 100 में कंसिडर करने के बाद 6 क्लास हम कह सकते हैं कि अगर इसके 3 जो बॉक्सेस हैं वो कलर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि 30% जो है हम इससे जो है वो काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब ये देखें यहाँ पे कहते हैं कि हम जो है वो चाहे प्रॉफिट चाहे हमारे पास लॉस हो, उसे जब कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के लिए, तो हम कौन सी प्राइस को जो है वो सिलेक्ट करते हैं इसमें से, तो कौन सी है, कॉस्ट प्राइस, जी ए ऑप्शन। तो 6 क्लास आज के लिए इतना ही, तो डायरी ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर्ड, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर्ड करना है और इसे अच्छे से याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।